पिक्चर पोस्टकार्ड, कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी हुई है। इस कहानी को पढ़ें या लेखक परिचय को पढ़ें, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि पिक्चर पोस्टकार्ड किसे कहते हैं। आजकल आप कहीं घूमने जाते हो तो क्या करते हो? वहाँ की फ़ोटो खींचते हो, और आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो आप फेसबुक अपने अकाउंट पे या इंस्टाग्राम पे अपनी उस फोटो को लगा देते हो, जिससे कि आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, जो आपके जानकार हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, उन सब तक वो आपका पिक्चर पोस्टकार्ड, वो जो पिक्चर है जहाँ आप घूमे हो, वो सीन, वो फोटो पहुँच जाए। ये आपके प्रोफाइल फोटो लगा लेते हो, व्हाट्सएप पे भेज देते हो। ये तरीका होता है आजकल जब आप लोग घूमने जाते हो। कभी ऐसा हुआ करता था, ये कहानी लिखी गई है करीबन 1955 के बाद लिखी गई है। ये जो कहानी संग्रह था उनका 1959 में प्रकाशित हुआ, तो निश्चित रूप से उससे पहले ये कहानी लिख गई है। उस समय क्या चलन हुआ करता था कि जब कहीं घूमने जाया करता था इंसान, तो जिस भी पर्यटन क्षेत्र पे हम जाते थे, तो वहाँ बहुत सारे जो लोग होते थे, वो वहाँ की जो प्रसिद्ध इमारतें होती थी या जो प्रसिद्ध वो देखने लायक जो चीज़ें होती थी इस तरीके की, तो उसके पोस्टकार्ड वहाँ पर बिका करते थे, बाहर बेचा करते थे वो लोग। उसके दूसरे पीछे 15 रुपये 15 पैसे का टिकट लगाया, पता लिखा, और अपने मित्रों को वो पोस्टकार्ड भेज दिया जाता था कि देखो हम यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ की ये जगह है। जैसे मान लो आप अमेरिका गए और वहाँ पे आप स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर गए, तो अपने वहाँ का लगा दिया। जयपुर गए तो वहाँ का जंतर मंतर का जो पोस्टकार्ड है, जिसपे जंतर मंतर का चित्र बना हुआ है, उसको भेज दिया। तो इस तरीके से हम अपनी जो जो हमारे अनुभव होते थे, जो हमारी स्मृतियाँ होती थी, वो दूसरों तक पहुँचा दिया करते थे। ये उस समय का समय था कि इस तरीके से हाँ अपन पहुंचाया करते थे। तो इस कहानी का नाम पिक्चर पोस्टकार्ड क्यों रखा गया? यहाँ जो पिक्चर पोस्टकार्ड है, ये जो पोस्टकार्ड है, वो प्रतीक है एक दिखावे का, जिसमें कोई ठोस सच्चाई नहीं है। मतलब वो केवल ऊपरी आपके पास केवल उसका चित्र आ रहा है। आप उस बिल्डिंग के बारे में, उस सीन के बारे में जो कि उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसकी गहराई के बारे में आप कुछ नहीं जानते, उसकी सच्चाई के बारे में आप कुछ नहीं जानते। और आज जो हमारे युवा हैं और जो जीवन उनका है, वो इसी तरीके का पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा ही उनका जीवन हो गया है। ये पोस्टकार्ड है वो अस्थिरता का प्रतीक है, और जो युवाओं की मानसिकता है वो ऐसी ही अस्थिर हो गई है। वो कोई भी समय, सही समय पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनमें कोई जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मतलब जब मैं ये पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी पढ़ रही थी, तो मुझे याद आई एक मूवी जो कि ऋतिक रोशन के द्वारा अभिनीत की हुई है, लक्ष्य। लक्ष्य में जो ऋतिक रोशन का जो उसने करण की भूमिका निभाई है, और करण के जीवन का जो पहला हिस्सा है, जब उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, वो यही भटक रहा है, नहीं उसे नहीं मालूम कि उसे जीवन में क्या करना है। रोज उसके जीवन के जो है वो लक्ष्य बदलता रहता है। कभी वो सेना में जाना चाहता है, कभी कुछ और करना चाहता है, और एक बार वो सेना में चला भी जाता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपरी ठाठवाट देखकर, उसके आकर्षण को देख के, है ना, चला भी जाता है, लेकिन वहां जाके वो उसकी कठोरता को झेल नहीं पाता और फौज को छोड़ के वापस आ जाता है। फिर जब उसको काफ़ी प्रताड़ना सहनी पड़ती है अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, और अपने जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसकी, तो फिर वो अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करता जाता है। मतलब लेकिन जो शुरुआत की जो उसकी ज़िंदगी है, वो बिल्कुल पिक्चर पोस्टकार्ड में जो वर्णित हैं युवक, उन जैसी ज़िंदगी है। मतलब वो कहानी मुझे याद आ रही थी। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा जी। हिंदी कहानी को आधुनिक बोध से जोड़ने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का एक अलग ही स्थान है। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार निर्मल जी ने कहानी की प्रचलित कला, जो उस समय कहानी जिस मोड़ में जा रही थी, न केवल उसमें संशोधन किए, बल्कि उन्होंने प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयास किया। उन्होंने बहुत कम लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से उनको बहुत ख्याति और प्रतिष्ठा हिंदी जगत में प्राप्त हुई। अपने युवा काल में उन्होंने विदेशी साहित्य का पर्याप्त अध्ययन किया, क्योंकि उनको उनका जीवन विदेशों में, चेकोस्लोवाकिया में और यूरोप में बहुत बीता था, और वे साम्यवादी विचारधारा की तरफ भी आकृष्ट हुए। किंतु कुछ समय के बाद उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया। ना केवल उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया, बल्कि वे साम्यवाद के विरोधी भी हो गए। इस कारण उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। पर खास बात यह है कि जब वे मार्क्सवादी थे और मार्क्सवाद के प्रति वो आकृष्ट हुए, तब उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, उनकी कहानियों में कहीं भी वो वैचारिक आग्रह हमें देखने को नहीं मिलता है।
कोई भी कहानीकार हो, कोई भी लेखक हो, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, किन के साथ वो रहा, कहाँ घूमा, कहाँ फिरा, कहाँ पढ़ा, क्या सुना, क्या देखा, ये सब उसके लेखन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें कोई भी कहानी पढ़ने से पहले उस लेखक के जीवन परिचय को जानना बहुत ही जरूरी होता है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ था। इसलिए आप उनकी कहानी में ज़्यादातर देखिए, उनकी कहानी में कहीं ना कहीं पहाड़ आई जाते हैं। उन्होंने अपना बचपन पहाड़ों पर बिताया और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने इतिहास में एमए किया। अब चूंकि उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से एमए किया है, तो आप देखिए उनकी जब ये कहानी अपन पढ़ेंगे ना पिक्चर पोस्ट कार्ड, तो आप देखिए यूनिवर्सिटी के सीन उसमें काफ़ी आ रहे हैं। पूरी यूनिवर्सिटी का बेस है उस कहानी का, जो स्थान है वो यूनिवर्सिटी और रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके की जगह है। शुरू के कुछ साल उन्होंने अध्यापन भी किया। उन्होंने महानगर के जो अभिजात माहौल है उसको बहुत निकट से देखा था, क्योंकि खुद निर्मल वर्मा जी के पिताजी अंग्रेजों के समय के जो रक्षा विभाग था उसमें बड़े उच्च अधिकारी थे और बड़े ऐशो आराम से उनका जीवन कटा था। तो वो अभिजात जो मतलब एरिस्टोक्रेट जो वर्ग था, जो तथाकथित तो उच्च वर्ग था समाज का, उसी माहौल में वो ज़्यादा रहे, तो उसी माहौल को उन्होंने बहुत ही निकट से देखा और सुना था, और इसीलिए उनके इस माहौल का प्रभाव उनकी कहानियों में हमें बहुत देखने को मिलता है। 1957 में हंस के अर्धवार्षिक अंक में उनकी परिंदे कहानी छपते ही वे हिंदी कहानी के क्षितिज पर छा गए। 1959 में वे चेकोस्लोवाकिया के विद्या संस्थान और चेकोस्लोवाक से जो लेखकों का संघ था उसके आमंत्रण पर वो प्राग गए और एक सजग चिंतक और संवेदनशील लेखक के रूप में उन्होंने वहां अपनी पहचान बनाई। चेकोस्लोवाकिया प्रवास के दौरान उन्होंने कई चेक कथाओं का अनुवाद किया, परिणाम स्वरूप हमारी हिंदी को टिकट संग्रह, कारेल चापेक जैसी महत्वपूर्ण कृतियां मिली। इस दौरान उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लंदन की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर रिपोर्टाज भी लिखे। निसंदेह निर्मल वर्मा एक ऐसे लेखक हैं जिनकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी शैली है, अपनी भाषा है और अपनी ही वैचारिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें से उन्होंने उपन्यास भी लिखे, उन्होंने कहानी संग्रह कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखे और नाटक भी लिखा। उनकी जो प्रमुख उपन्यास है वे हैं एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। कहानी संग्रहों में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनका पहला कहानी संग्रह परिंदे था जो 1959 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद जलती झाड़ी, पिछली गर्मियां, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, ये उनके कहानी संग्रह थे। उन्होंने निबंध भी लिखे जिसमें शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, और एक उनका बहुत ही प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी और हर बारिश में। निर्मल वर्मा ने तीन एकांत नाम से एक नाटक भी लिखा। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे अनेक सम्मान भी मिले। और मैं आपको बता दूं कि 2005 में जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित कर दिया गया था। निर्मल वर्मा की जो कहानी है वो एक मतलब नई कहानी में एक विशेष स्थान रखती है। वो नई कहानी के एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपने लेखन के आरंभिक दौर में नई कहानियाँ, कहानी सारिका जैसी जो पत्रिकाएं थी उनमें उनको वो छपे और बहुत महत्व उनको दिया गया। काफ़ी चर्चित रहे वो इन पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की जो आंतरिक दुनिया का चित्रण है वो अपनी कहानियों में किया था। पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी निर्मल वर्मा जी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है, जो उनके सबसे पहला जो कहानी संग्रह था परिंदे जो 1959 में छपा उसमें संकलित है। इसे पिक्चर पोस्टकार्ड जो कहानी है इसका कथा सूत्र बहुत ही क्षीण है, बहुत ही कम घटनाएं हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र परेश, नीकी, सीडी, निखिल, प्रभा और नीलू हैं। इनमें से जो परेश, सीडी और निकी, ये तीनों नवयुवक हैं जो कि अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं और दिल्ली में रहकर अपना वक्त गुजार रहे हैं। कोई लिखने में गुजार रहा है, जैसे परेश लेखक है,
वो रिव्यू लिखता है और हमें एक जगह मालूम भी पड़ा है कि वो कहानियां भी लिखता है। यदि भी उसने अपनी ये वाली बात अभी किसी पे जाहिर नहीं की है कि वो कहानी लिखता है, पर एक कहानी है जो उसकी जेब में थी, जो वो नीलू को दिखाना चाहता था, और लेकिन मौका नहीं मिला उसको, नीलू को नहीं दिखा पाया, क्योंकि कभी नीलू ने उससे पूछा था। तो वो आज कहानी लेकर गया है और बार बार उस कहानी को चूके देख रहा है कि अब वो कहानी दे देगा, लेकिन वो दे नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार वो लेखक है, रिव्यू लिखता है, समीक्षा लिखता है जो कि अंग्रेजी अखबार में छपा करती हैं उसकी, और एक निक्की है जो कि एक्टर है, एक्टिंग करता है, उसे संगीत का भी बहुत शौक है, एक कलाकार व्यक्ति है वो। और तीसरा जो सीडी है वो अभी बेकार है, वैकेंसीज के लिए अखबारों को पढ़ता रहता है, आईएएस की तैयारी करना चाहता है। जैसे कहानी शुरुआती हुई कि जब उसने मुझे देखा तो अखबार मेज के कोने से सरका दिया, यानी कि सीडी मेज पर बैठा हुआ है किसी रेस्टोरेंट में, परेश को जब उसने देखा तो अखबार उसने साइड में सरका दिया। वो अखबार सिर्फ इसलिए देखता है कि उसमें जो वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज को वो सर्किल करता है और अपनी नोटबुक में नोट करता जाता है और वहाँ अप्लाई करता है। और थोड़ा सा व्यंग भी किया है यहाँ पर परेश के माध्यम से कि उसको अब तक कोई नौकरी नहीं मिली है, जबकि उसने बहुत सारी वैकेंसीज को उस तरीके से अपनी डायरी में नोट कर रखा है। वो कह भी रहा है कि तुम्हारी नोटबुक अभी तक पूरी भरी नहीं है, यानी कि रोज तुम कुछ ना कुछ नोट करते रहते हो, तो तुम्हारी नोटबुक अभी तक भरी नहीं है, यानी कि तुमने प्लान तो बहुत किया है लेकिन अभी तक तुम्हारे हाथ कोई नौकरी लगी नहीं है। तो इस तरीके से जो सीरी है वो अपनी किसी नौकरी की खोज में लगा हुआ है। इस कहानी में नीलू और प्रभा हैं, वो दोनों अपनी अभी विश्वविद्यालय की परीक्षा दे रही हैं, और जैसा कि हमने देखा है कि नीलू की परीक्षाएं तो हो चुकी हैं लेकिन उसके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं। वो बार बार कह रही है मुझे पुनः विश्वविद्यालय में आना पड़ेगा क्योंकि उसके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, तो मैं फेल हो जाऊंगी, असफल हो जाऊंगी, तो मुझे दोबारा पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। प्रभा के अभी पेपर पूरे हुए नहीं है, उसके पेपर अभी चल रहे हैं। इस कहानी के जो पात्र हैं वो सभी बहुत युवा हैं और इसी तरीके से शिक्षा, मनोरंजन और प्रेम आदि के बीच भटक रहे हैं। हम देख रहे हैं नीलू और जो परेश हैं उन दोनों के बीच में एक अव्यक्त प्रेम हम देख रहे हैं। निक्की और प्रभा है, उन दोनों के आपस में प्रेम संबंध है, निक्की का अफेयर चल रहा है प्रभा के साथ, लेकिन दोनों ही तरफ से हम देख रहे हैं असंतोष है। ना तो निक्की प्रभा से संतुष्ट है, उसको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे प्रभा मेरे साथ सीरियस नहीं है, और वो सीडी को जब देखती है तो निक्की को बहुत बुरा लगता है कि वो सीडी को ऐसे देख रही है जैसे वो पुडिंग की प्लेट हो, और सीडी से बात करना भी प्रभा का उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और उनका मनोरंजन का जरिया है मूवी देखना, रेस्टोरेंट में जाके चाय कॉफी पीना, बियर पीना, पार्टी करना, या जो जूक बॉक्स है उस पर म्यूजिक सुनना, डांस करना, और लड़कियों को तकना। जैसे लड़के हैं तो वो लड़कियों को तकते हैं, लड़कियां हैं तो वो लड़कों को देखती हैं। इस तरीके से मतलब एक उलझुल तरीके से वो अपना जीवन जी रहे हैं, भटक रहे हैं अभी। कोई निश्चय उन्होंने अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं किया हुआ है, और ना ही उस लक्ष्य को डिसाइड करके कहीं जाने की उनकी कोई जल्दबाजी है। वे अनिश्चय के शिकार हैं, किसी भी मुद्दे पर कहीं भी कोई स्पष्ट निर्णय वो नहीं ले पाते हैं। जैसा हम शुरू से ही देख रहे हैं कि जो सीडी है उसके लिए शुरू में कहा गया है कि गर्मियों में यहीं रहोगे, मसूरी से आंटी ने बुलाया है, वो कहता है तो चले क्यों नहीं जाते। परेश जब उससे पूछता है तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इस बार मैं कॉम्पिटिशन में रह गया तो ओवर एज हो जाऊंगा, मैं यहीं रहकर अपनी आईएएस की तैयारी करूंगा। लेकिन बाद में हम देख रहे हैं कहानी के अंत में कि बाबूजी का पत्र आ गया है, आंटी जी ने देहरादून बुलाया है और सीडी साहब टिकट लेने बुक कराने गए हुए हैं, टिकट लेके आ रहे हैं और वो मसूरी जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनका कोई भी जो निर्णय है वो कोई डिसाइडेड निर्णय नहीं है। और हम परेश को लें तो परेश भी अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। नीलू को लेके उसके मन में बहुत उहा पोह है, वो नीलू से प्रेम करता है, बार बार नीलू के प्रति आकर्षित होता है, उससे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा। तो नीलू के सामने वो अपने मन की बात ही नहीं रख पाता, जबकि एक बार कहा भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं तो वो समय निकल जाता है, और फिर वो ऐसी बात होती है कि वो उसके बाद समय एक समय निकल जाने के बाद वो बातें कभी भी कही नहीं जा सकती, वो मन की मन में ही रह जाती है, मतलब जीवन निरर्थक हो जाता है, निस्सार हो जाता है, लेकिन वो नहीं कह पाता। तो इस तरीके से जो परेश है वो भी अस्थिरता और एक अनिर्णय की स्थिति में है। और निक्की है, निक्की के बारे में तो हम देख ही रहे हैं कि वो एक कलाकार है, लेकिन वो कुछ भी मतलब अपने मन में क्या करूं, अभी वो बहुत उहापोह की स्थिति में है। परेश कहता है उससे, निक्की तुम किसी प्रोफेशनल थिएटर में क्यों नहीं चले जाते, कब तक ऐसे घिसटते रहोगे, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा,
अगर अभी गया तो ब्राइवे या पेरिस जाऊंगा, उसका ऐसा कुछ विचार है, तो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। परेश कहता है कि तुम्हें तो फ्रेंच आती है, आसानी से तुम कहीं ना कहीं जाके कुछ अच्छा कर पाओगे। वो कहता है मुझसे ये कुछ नहीं होता और मैं शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये कहकर वो अपनी आंखें मूंद लेता है और काउच पर लेट जाता है। तो इस तरीके से जो युवा हैं वो सब अनिश्चय की झूले में झूल रहे हैं, कुछ भी उनके जीवन में निश्चित नहीं है। और विद्यार्थी जीवन की आदत के मुताबिक, मतलब जैसे अभी यदि भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी विद्यार्थी जीवन की तरह ही वो अपना जीवन जी रहे हैं, और उसकी आदत के मुताबिक वो बेवजह विश्वविद्यालयों के चक्कर काटते रहते हैं, कभी लाइब्रेरी जा रहे हैं, कभी कैंटीन जा रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, और किसी भी मुद्दे पर अपना कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं। रेस्टोरेंट में अपना खाली समय बिता रहे हैं, और खाली समय में वो लड़कियों के साथ गप्पे मारकर, उन्हें देखकर, उनको देखकर खुश होकर, इस तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में जो पिक्चर पोस्टकार्ड मैंने आपको बताया कि युवाओं की इस अस्थिर मानसिकता का ही प्रतीक है, इन युवाओं की स्थिति उन्हीं पिक्चर पोस्टकार्ड की तरह है जो विभिन्न स्थानों के जो जो वहाँ की जो बिल्डिंग्स है या वहाँ की जो जगह हैं, उन जगहों का केवल हमको चित्र में परिचय देते हैं, जो कि देखने में काफी रंगीन है और आकर्षक है, लेकिन उनमें कोई गहराई या उनके बारे में कोई गहरी जानकारी हमें उन पिक्चर पोस्टकार्ड से प्राप्त नहीं होती। इसी तरीके से इन युवाओं को देखकर हमें कोई था नहीं लगती कि इनके जीवन का क्या लक्ष्य है, इनके जीवन में क्या गहराई है, इनके क्या अपना क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, क्या इनका एटीट्यूड है, वो कुछ भी हमें इनमें समझ में नहीं आता है। अच्छा, कभी कभी जब हम देख रहे हैं इस कहानी को, तो हम ये भी देखते हैं कि कहीं कहीं वे जीवन की व्यर्थता में अर्थ खोजने की भी कोशिश करते हैं। जैसे जो निक्की है वो एक थिएटर से जुड़ा हुआ है, वो लगातार वहाँ उसमें एक्ट करता है, और एक्ट करके फिर वो उसमें कुछ एक अच्छा सा करना भी चाहता है। जैसे उसने कहा कि परेश तुम अपनी कहानियाँ मुझे क्यों नहीं बताते, शायद इसलिए क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ। फिर वो कहता है कि जो परेश है वो निक्की से कहता है मेरी एक तमन्ना है। देखो यहाँ पर वो थोड़ा सा अपने जीवन को कोई उद्देश्य देता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी एक तमन्ना है कि मैं एक ड्रामा लिखूँ जिसमें तुम एक्ट करो, यानी कि निक्की से कह रहा है कि तुम एक्ट करो और मैं आगे की सीट पर बैठूं और तुम्हारे मुंह से वे शब्द सुनूं जो मैंने लिखे हैं। और फिर निक्की सपनों में खो जाता है और कहता, और उस रात ऑडिटोरियम में मैटो गोल्डन मेयर का कोई बड़ा डायरेक्टर बैठा हो और उस प्ले को देखने के बाद वो इतना प्रभावित हो जाए कि वो तुमको तो एक महान लेखक घोषित कर दे और मुझे एक महान राइटर घोषित कर दे। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं वो जीवन की व्यर्थता में अर्थ खोजने की कोशिश करते दिखाई देते हैं, मतलब निरुद्देश्यता में भी उद्देश्य और आस्था तलाश करने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इन तमाम अंतर्विरोधों को अपने अंदर समेटे हुए वो केवल अपने भविष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं भविष्य, वो नहीं कर रहे हैं भविष्य की प्रतीक्षा, वास्तव में भविष्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वस्तुतः निर्मल वर्मा ने इस कहानी में सपने बुनती युवा पीढ़ी की जो ऊहापोह है, ऊहापोह भरी जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी मन स्थिति है, उसका चित्रण किया है। और कहानियों की खास विशेषता जो हम देख रहे हैं वह है कि उनकी कहानियों में घटनाएं नहीं है, केवल मन स्थितियां ही हमको देखने को मिलती हैं, और वो मन स्थितियां भी मनुष्य के मन की जो असामान्य स्थितियां हैं वो हमें उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। पोस्ट कार्ड में भी हमको वो चीज मिलेगी। उनकी कहानियों में स्मृति और कल्पना की भूमिका बहुत है, और वे इन्हीं के सहारे प्रकृति के साथ तादम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वे अपनी कहानियों में एक ऐसे अभिजात वर्ग की जिंदगी और अतिशा अभिजात स्थितियों का चित्रण करते हैं जो शिक्षित एवं प्रबुद्ध होते हुए भी हताशा और अवसाद में डूबे हुए हैं। आप देखेंगे पिक्चर पोस्टकार्ड में भी ये चीज आप देखेंगे, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही दिखावेपन से, आडंबर से भरा हुआ है, दिखावा ज्यादा है, अंदर ठोस कुछ भी नहीं है, इसलिए हताशा और अवसाद निराशा उनके जीवन में बहुत है। लक्ष्य तो जाने सोचते तो क्या है, पर एक कोई लक्ष्य निश्चित नहीं है और न उसके लिए कोई स्पष्ट प्रयास किया जा रहा है, तो जिंदगी में असफलता आएगी और असफलता हताशा को और अवसाद को जन्म देती है। उनके अधिकांश पात्र अतीत की स्मृतियों में ही जीते हैं, वर्तमान की वो अवज्ञा करते हैं, उन्हें या तो वो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य के सपनों में डूबे होते हैं। उनका अतीत उनके लिए बड़ी शर्म की चीज है। आप बार बार देखेंगे पिक्चर पोस्ट कार्ड में कि जब निक्की और वो बात कर रहे हैं, सीडी और परेश बात कर रहे हैं, निक्की और परेश बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने अतीत पर बात करने में बड़ी शर्म आ रही है। वो कहते हैं हम अपने अतीत को सबके सामने खोल के रखना नहीं चाहते हैं। ये बहुत अच्छा है कि जो लोग हमसे आज मिलते हैं वे हमारे उन दिनों से अपरिचित हैं। जब हम हर रात डायरी लेकर एक दूसरे को सुनाते थे और हम सोचते थे कि हम दूसरों से भिन्न हैं, जो हमें देखेगा वह कुछ नहीं जानेगा,
आज जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो खिसियानी सी हंसी हंसते हैं, चारों ओर देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसी ही शर्म आती है जैसे बचपन में आती थी जब माँ पराए लोगों के सामने हमारी तारीफ करने बैठ जाती थी। तो हमारा बड़प्पन सबको ही देखता है लेकिन हमारी शर्म केवल हम ही देखते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं आगे कि जब परेश के बारे में जब ये बताता है सीडी के, ये अंग्रेजी में रिव्यू लिखते हैं, प्रभा और नीलू वगैरह सब वहां बैठे हुए हैं, तो सीडी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी ये जो बात है वो सबके सामने क्यों बताई जा रही है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरीके से जब निक्की सीडी के बारे में बताता है प्रभा को कि ये साहब अब आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सीडी बिल्कुल ऐसे देखता है निक्की को जैसे उसको खा जाएगा और उसको मतलब अपने ऊपर एक शर्म सी आती है और वो ये बातें किसी को बताना नहीं चाहता। अवसाद और हताशा उनके पात्रों के स्थायी भाव है, जैसा कि अपन निक्की में देख रहे हैं, परेश में देख रहे हैं। उनकी त्रासदी यह है कि वे अपनी हताशा निराशा के कारणों को समझने का प्रयास ही नहीं करते और स्वयं को पीड़ा देने में ही जैसे सुख अनुभव करते हैं, जैसे निक्की है तो कोई निश्चित अंत पे नहीं जाना चाहता है, मतलब उसी उहापोह में घूमते रहना चाहता है। निर्मल वर्मा की कहानियों में सबसे बड़ा पात्रों का परिवेश है। वे अपनी कहानियों में ऐसा परिवेश बनते हैं जिसमें एकांत है, सन्नाटा है, पहाड़ है, धुआं है और धुंधलका है और एक अजीब किस्म की वीरानगी है। अब देखिए जब ये पिछले पोस्टकार्ड कहानी को अपन पढ़ेंगे तो आप कनाट प्लेस में मतलब दिन में भी वहां अंधेरा नजर आ रहा है, मतलब चारों तरफ एक वीरानगी सी है और वो वीरानगी इसलिए क्योंकि मन में वो वीरानगी है और मन की वीरानगी उनको चारों तरफ परिवेश में भी दिखाई देती है। ये परिवेश ही जैसे उनके पात्रों की जो मनस्थितियां हैं उसको हमारे सामने प्रकट कर देता है। निर्मल वर्मा अपनी कहानियों में पात्रों का एक ऐसा जादुई संसार रचते हैं जिसमें सामाजिक और वास्तविक जीवन की चिंताओं के लिए, मतलब वास्तविक जीवन की चिंताओं के लिए कोई स्थान नहीं है, कल्पनाओं में डूबे हुए हैं। निर्मल वर्मा है अपने पात्रों के लिए जो संसार चुनते हैं वो उनके भीतर खुलता है और वहीं बंद हो जाता है। अपने रचना शैली में निर्मल जी की कहानियां अद्भुत है। उनके पास एक व्यंजक भाषा है, चीजों को सूक्ष्मता के साथ विश्लेषित करने की उनकी दृष्टि है, वर्णन करने की उनमें विलक्षण क्षमता है। नई कहानी के दौर में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कथाकार निर्मल वर्मा की कहानियों में हमें मृत्यु और प्रेम के अर्थों, बहुत सारे अर्थों में और बहुत सारे आयामों में प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे बड़ा कथाकार बनाती है वह है उनकी व्यस्क संवेदना, जो मनुष्य के भीतरी परतों में छिपे कथा तत्व को बाहर निकाल के रख देती है। और तमाम विरोधों के बावजूद इस बात में कोई संदेह नहीं कि निर्मल वर्मा हिंदी के एक आवश्यक और सशक्त कहानीकार रहे हैं। कहानी में संवाद योजना तो बहुत गजब की है, छोटे छोटे संवाद हैं, कहीं से भी आप उदाहरण ले लीजिए। हम दोनों हंसने लगे, ये हमारे बीच एक पुराना मजाक है, जब हम किसी बात को नहीं जानते हैं तो हमेशा इस वाक्य का सहारा ले लेते हैं, मे बी यस मे बी नो, पर एक थोड़ी सी पी लो, नहीं मैं ठीक हूँ, अच्छा एक घूंट लो, थोड़ी सी और लो, नहीं निकी इतनी काफी है। अच्छा छोटे छोटे से वाक्य हैं जो उनकी मन स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। तो कहानी की जो संवाद योजना है वो बहुत ही गजब की है, बहुत ही प्रवाह है उसमें, और आधुनिक जीवन की जो झांकियां प्रस्तुत करने के लिए जो नए नए उपादान होने चाहिए जो आधुनिक जीवन में, जैसे जुक बॉक्स है, रेस्टोरेंट है, विश्वविद्यालय का जो दृश्य है, या थिएटर का की बातें हो रही हैं, या पाश्चात्य लेखकों की बात हो रही हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आधुनिक जीवन को दिखाने के लिए इस कहानी में जोड़ी गई हैं, और साथ ही अंग्रेजी शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है क्योंकि जो पात्र हैं वो सब विश्वविद्यालय में पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी से उनका काफ़ी करीब का रिश्ता है, तो उन्होंने अंग्रेजी के शब्द बहुत काम में लिए हैं जो कहानी को बहुत सूट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो पिक्चर पोस्टकार्ड कहानी है वो आज के युवाओं की जो अस्थिर मानसिकता है, जो उनकी लक्ष्यहीनता है, जो उनका भटकाव है, उसको चित्रित करती हुई एक सफल कहानी है।